हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम लोग बात करेंगे एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया के मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। इससे आगे वीडियो में काफी हैवी स्पॉयलर्स होंगे, तो इसे अपने रिस्क पर ही देखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर आपने अब तक एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया नहीं देखी है, तो आप मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू चेक कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये मूवी देखनी भी है या नहीं। लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। तो सबसे पहले आते हैं मेड क्रेडिट सीन पर। सीन शुरू होता है तीन कैंग के वेरियंट्स के साथ, जो आपस में बात कर रहे हैं कि कैंग प्राइम की डेथ के बारे में, कैसे एवेंजर्स मल्टीवर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं और उनका सब कुछ कॉन्कर करने के प्लान के बारे में। ये तीनों वेरिएंट थे कॉमिक्स में दिखे रामाटट, स्कारलेट सेंचुरियन और इमोटस। रामाटट और इमोटस का हमें कॉमिक एक्यूरेट लुक देखने को मिला, वहीं स्कारलेट सेंचुरियन के डिजाइन में हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस दिख रहे हैं। फिर वो तीनों एक अरीना में वॉक करते हुए पहुंचते हैं, जहां इमोटस ने काउंसिल ऑफ कैंग को समन किया है और कैंग प्राइम की डेथ और एवेंजर्स के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सीन डायरेक्टली कॉमिक बुक पैनल से उठाया गया है, जो कि काफी शानदार लग रहा था। कॉमिक्स में काउंसिल ऑफ कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स की काउंसिल होती है, जिसको कैंग प्राइम लीड करता था, पर मूवी में इसे चेंज करके सभी कैंग वेरिएंट्स से कनेक्ट किया गया है, जो कि काफी सेंस भी बनाता है। इस सीन में हमें कैंग का स्क्रल वेरियंट भी देखने को मिलता है, जो कि मार्वल के लिए अपकमिंग शो सीक्रेट वॉर्स को लेकर भी एक हिंट हो सकता है। कॉमिक्स में इमोटस कैंग प्राइम को मैनिपुलेट कर बाकी कैंग वेरिएंट्स को मरवा देता है, ताकि वो खुद मल्टीवर्स पर रूल कर सके। हो सकता है कि कैंग प्राइम को क्वांटम रैंक में इमोटस ने ही फंसाया हो, क्योंकि वो उसके मल्टीवर्स क्वेस्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो और उसके मरने के बाद अब वो बाकी कैंग को मैनिपुलेट करे एवेंजर्स से लड़ने के लिए, जिसमें काफी सारे कैंग के वेरियंट्स मर जाए और इमोटस आखिरी कैंग वेरियंट बचे और मल्टीवर्स पर रूल करे। ये सब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हो सकता है, जिसके बाद एवेंजर्स एक मल्टीवर्सल लेवल सुपर हीरो की टीम बनाए और कैंग इन्वेजन को रोकने के लिए एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में उसका सामना करे। रूमर्स तो ये भी हैं कि कैंग द कॉन्करर का एक यंग वर्जन खुद एवेंजर्स के साथ जुड़ेगा और कैंग से लड़ेगा और उनको कैंग को हराने में मदद भी करेगा। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो डायरेक्टली लीड करता है हमें लोकी के सीजन 2 में। इसमें लोकी और मॉर्बियस पास्ट में दिए गए एक लेक्चर को सुन रहे हैं, जो कि विक्टर टाइमली दे रहा है। लोकी उसे देखकर काफी डरा हुआ है, वहीं मॉर्बियस कंफ्यूज्ड है कि आखिर लोकी इतना डर क्यों रहा है। अब सवाल उठता है कि विक्टर टाइमली आखिर है कौन। कॉमिक्स में जब भी कैंग टाइम ट्रेवल करता है, तो वो पास्ट में आता है, वो खुद का एक अल्टरनेट वर्जन बना देता है। ये वेरियंट से अलग होता है, क्योंकि ये बेसिकली सेम ही कैंग होता है, जो कि पास्ट में रहता है। विक्टर टाइमली कैंग का वो वर्जन है, जो कि अर्ली 1900s में रहता है, ताकि वो अपने फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट की प्लानिंग कर सके। कॉमिक्स में विक्टर टाइमली खुद का एक टाउन भी एस्टेब्लिश करता है और उसका मेयर भी बनता है। विक्टर एक काफी स्मार्ट बिजनेसमैन भी होता है, जो कि अपनी फ्यूचर नॉलेज से 1900s के टाइम में काफी इन्वेंशन करता है, जो कि आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को काफी इन्फ्लुएंस करती है। इसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को रीड रिचर्ड्स और बहुत सारे फेमस कैरेक्टर्स भी यूज करते आए हैं। विक्टर टाइमली को लेकर जो मेरी प्रिडिक्शन है, वो ये है कि ये कैंग प्राइम का डाइवर्जेंट वर्जन हो सकता है, जो आगे जाकर कैंग प्राइम ही बने और मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा हो। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया में हमें कैंग प्राइम की डेथ दिखाई गई है, और अगर विक्टर टाइमली उसकी जगह आकर लेता है, तो वो मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। अब धीरे धीरे जैसे हम एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें अब एमसीयू में कैंग के काफी वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफी फैसिनेटिंग होगा। इसकी एक झलक हम मिड क्रेडिट सीन में देख भी चुके हैं। तो अब आप बताइए कि आप एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं। कैसे कैंग की काउंसिल ऑफ कैंग आने वाले सीक्रेट वॉर्स तक मार्वल के सुपर हीरोज के लिए एक प्रॉब्लम बनेगी, और लोकी सीजन 2 में विक्टर टाइमली को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं। ये सभी हमारे साथ कमेंट कर जरूर शेयर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।